वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स टू को डिस्कस करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स वन को डिस्कस किया था। टाइप्स वन में हमारे पास फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम थे। यहाँ पे डिनोमिनेटर जब सेम आ जाए तो ये टाइप्स वन है, और जब डिनोमिनेटर डिफरेंस होंगे तो ये टाइप्स टू होगा। अब टाइप्स टू में हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है, मेथड वही है कि जब दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पर एलसीएम किस तरह से लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 20 आ जाएगा। अब 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम जाता है, तो 5 इससे मल्टीप्लाई 15, फिर 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम जाता है, 4 इससे मल्टीप्लाई 28, इनको ऐड किए और रिजल्ट लिख लिया। अब सब्ट्रैक्शंस कैसे होगी, दोबारा से हमारे पास ये डिफरेंट इंटीजर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 63 है तो ये आपके पास 9 का टेबल 63 पे 7 टाइम जाता है, 7 इससे मल्टीप्लाई 14, माइनस 7 का टेबल 63 पे 9 टाइम जाता है, तो 9 इससे मल्टीप्लाई 26। सब्ट्रैक्ट करें, नेगेटिव 22 डिवाइडेड बाई 63, और नेगेटिव को हमने बाहर लिख लिया और आंसर दे दिया। अब तीन फ्रैक्शंस के दरमियान एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। अब तीनों हमारे पास डिफरेंस इंटीजर्स हैं, इनका एलसीएम हम मल्टीप्लाई से करेंगे, 3 2s are 6, 6 5s are 30। अब 2 वाला टेबल 30 पे 15 टाइम जाता है, 15 इससे मल्टीप्लाई लेगा तो ये आपके पास 45, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। फिर 3 का टेबल 30 पे 10 टाइम जाता है, तो 10 इससे मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा। फिर 5 का टेबल 30 पे हमारे पास 6 टाइम जाता है, तो 6 इससे मल्टीप्लाई लेगा तो ये 6 1 6 आ गया। माइनस है तो माइनस वैसे लिख लिया, इन दोनों के प्लस किया तो 65 माइनस 6 आ गया। फिर इनको सब ये जो 30 है वैसे सेम है वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर 65 माइनस 6 ये आपके पास आ जाएगा 59 30। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टाइप्स टू थे जिसके अंदर डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट्स हों, उनका एलसीएम लेते वक्त हम दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखकर उनको सिंपलीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम टाइप्स थ्री को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।